गुड मॉर्निंग। इससे पहले मैंने आपको चैप्टर विजेता कौन की कुछ पंक्तियों का की व्याख्या समझाई थी, और विजेता कौन चैप्टर श्री रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित महाकाव्य का अंश जिसमें बताया गया है कि पांडव 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास पूर्ण करके जब वापस आए तो उनमें एक अनोखा साहस था, प्रसन्नता थी। वन में आने वाली कठिनाइयों से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि दृढ़ता पूर्वक उनका सामना करके और अधिक शक्तिशाली होकर वापस आए। उनमें एक नई चेतना का संचार था, और मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो सूरमा होते हैं, बहादुर होते हैं, वो विपत्तियों का सामना करके, चुनौतियों का सामना करके आगे बढ़ते रहते हैं। और इसमें बताया गया है कि वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, कि दुर्योधन ने घोषणा कर दी थी कि मैं पांडवों को सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, और वह अपने को राजा मानने लगा था। लेकिन हुआ क्या, दुर्योधन ने सोचा कि मैं यहाँ का राजा बनूंगा, लेकिन उस भूखंड को जीतने वाला कौन बने, पांडव बने, क्योंकि पांडव ने हमेशा सत्य का, धर्म का पालन किया। इस तरह से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हुए, कठिनाइयों का सामना करते हुए पांडव यश के भागीदार बने, और जब उन्होंने राज्य हासिल कर लिया अपने बलबूते पर, तो उन्होंने एक नए धर्म का प्रचार किया। वो एक नए धर्म को के निर्माता बने, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। जब विघ्न सामने आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं, मन को मरोड़ते हैं, पल पल तन को झंझोड़ते हैं पल पल। देखिए बच्चों, कि जब परेशानियां सामने आती हैं तो हमारी नींद हराम हो जाती है, हम विचलित हो जाते हैं, हम उन परेशानियों का हल सोचते रहते हैं, वो परेशानियां हमारे दिमाग पर हावी हो जाती हैं, वो हमारे मन को झंझोड़ती रहती हैं, प्रत्येक क्षण हमारे शरीर को झंझोड़ कर रख देती हैं कि कैसे इस परेशानी का सामना किया जाए। लेकिन जो बहादुर होते हैं वो इन परेशानियों का हल ढूंढ लेते हैं और आगे का रास्ता चुनते हैं। सतपथ की ओर लगाकर ही जाते हैं हमें जगाकर ही। उसके बाद चुनौतियों का सामना करने के बाद जो सच्चाई का मार्ग है वो हमें दिखाई देता है। हम सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए अपनी राह बनाते हैं, और सच्चाई का रास्ता हमें क्या बनाता है, जागरूक बनाता है, जागृत करता है, वो हमें एक नई दिशा की ओर ले जाता है। वाटिका वन और वन एक नहीं, आराम और रण एक नहीं। देखिए बच्चे, वाटिका होता है बगीचा और वन होता है जंगल। जंगल में और बगीचे में अंतर है। बगीचा एक छोटा ही स्थान होता है जहां हम
चुने हुए वृक्ष लगाती हैं, पौधे लगाती हैं, है ना। और जंगल क्या होता है, जंगल का तो कोई सीमा ही नहीं है, वहां हर तरह के जंगली पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं। उसी तरह से उन्होंने जो बगीचे को किससे जोड़ा है, आराम से। जब हम थक हार जाते हैं तो हम बगीचे में आराम करने चले जाते हैं, और जंगल को किससे जोड़ा है, रणभूमि से, युद्ध की भूमि से। तो ये दोनों एक नहीं है, युद्ध भूमि में आराम का, युद्ध भूमि किसके समान है, जहां पर क्या होता है, वर्षा अंधर आतप अखंड, बारिश तूफान धूप, पौरुष के हैं साधन प्रचंड। तो जंगल में रहते हुए मनुष्य आंधियों को धूप को बर्दाश्त करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो जंगल है वो किसके समान है, युद्ध क्षेत्र के समान। और वीर इन सब स्थितियों को बाधाओं को झेलते हुए आगे बढ़ते जाते हैं। वन में प्रसून तो खुलते हैं, बागों में शालना मिलती है। जंगल ऐसी जगह है जहां फूल भी खिलते हैं, कांटे भी होते हैं, लेकिन वहां पर लेकिन बगीचे में फूल होते हैं, कांटे भी होते हैं, लेकिन वहां पर शेर नहीं मिलते। शेर कहां मिलते हैं, जंगल में। और जब पांडव जंगल में गए तो उन्होंने जंगली जानवरों का सामना किया, उनसे युद्ध किया। जंगली जानवरों के अलावा और भी कई ऐसी विपत्तियां थी जिनका सामना उन्होंने किया। कई बार उनको युद्ध करना पड़ा, कई शक्तियां थी जो उनको परेशान करने आई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता ही झलकती रही। कंकड़िया जिनकी से सुगर, जंगल में रहते हुए पांडवों ने जो उनका बिस्तर था वो कैसा था, झाड़ियों वाला, कांटों वाला। और खुले आसमान के नीचे वो शयन करते थे, उन्होंने खुले आसमान के नीचे कांटों की सेज पर वनवास के दौरान जहां उनको वन में जंगल में जगह मिल गई वहां उन्होंने अपनी रात गुजारी। खुला आसमान था, घास मिली तो घास के ऊपर ही सो गए, मतलब जो एक बिस्तर जैसा आनंद था वो उससे वंचित रहे। विद्याएं दूध पिलाती हैं, लोरी आंधियां सुनाती हैं। उस दौरान अनेक विपत्तियां आई, और वो विपत्ति उनके लिए क्या हुई, जैसे ये विपत्तियां उन्हें सुकून दे रही हो, लोरी आंधियां सुनाती हैं और आंधी उनको किसके समान लगी, जैसे माँ बच्चे को लोरी सुनाकर सुनाती है। तो जो भी परेशानियां थी उनसे वो घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने उससे भी कुछ ना कुछ संदेश लिया। जो लक्षाग्रह में जलते हैं वे ही सुरमा निकलते हैं। देखिए बच्चों कि पांडवों के लिए दुर्योधन ने उन्हें जलाने के लिए पांडवों को लाक्षाग्रह का निर्माण कराया था। दुर्योधन की मंशा थी कि ये सभी उस लाक्षाग्रह में जलकर भस्म हो जाए, लेकिन विदुर की सूझबूझ से वो इस दुर्घटना से बच गए। तो इस तरह से पांडव
वनवास और अज्ञातवास काटकर जंगल से और ज्यादा साहस और धैर्य के साथ वापस आए। यह पाठ हमको यह संदेश देता है कि विपत्तियों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि साहस से उनका सामना करना चाहिए। विपत्ति देखें, जब हम इसका सामना करते हैं साहस से, तो ये विपत्ति हमारे जीवन में कोई